अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपको विकास, आप अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूँ M3R4 जनवरी 2015 का पेपर है ये, 2015 जनवरी सी लैंग्वेज का पेपर है ये। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं या आप NLT वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसके मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैन द कॉलम के सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 नंबर का पार्ट होता है ये, मेजर पार्ट है, इसी से आपका नंबरिंग स्कोर खिंचता है। तो 1.1 देख लेते क्वेश्चन है, द टू टाइप्स ऑफ फाइल स्ट्रक्चर एक्साइटिंग इज वी सेम फाइल आर। तो द टू टाइप्स ऑफ फाइल स्ट्रक्चर वी सेम फाइल आर एंटी सीक्वेंस स्ट्रक्चर एग्जिट सीक्वेंस स्ट्रक्चर। तो 1.1 का हो जाएगा एंट्री सीक्वेंस स्ट्रक्चर एग्जिट सीक्वेंस और स्ट्रक्चर, तो 1.1 का सी। 1.2 देखते हैं, इन ए मल्टी लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो 1.2 का हो जाएगा आपका ए रिकॉर्ड डैट हैव इक्विवेलेंट वैल्यू फॉर ए गिवन सेकेंडरी इंडेक्स आइटम आर लिंक टुगेदर फ्रॉम ए लिस्ट। मल्टी लिस्ट का आपका पूछ रहा था। 1.3 स्टार PTR डबल प्लस दिया हुआ है आपको, इस इक्विवेलेंट टू, तो 1.3 का हो जाएगा आपका डी, इसके बराबर है ये। 1.4 डिक्लेरेशन इंटीजर, ये आपको दिया हुआ है, तो ये क्या चीज़ है आपको बताना है। 1.4 का हो जाएगा नन ऑफ द एबव इज करेक्ट, तो इसका आंसर होगा आपका डी, इसमें से आपके कोई भी सही नहीं है। 1.4 का डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। 1.5 पे चलते हैं, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम वुड बी मेन, इसका कौन सा आपका आउटपुट आएगा, तो 1.5 का होगा डी, इसमें तो कोई भी इसका आउटपुट नहीं आएगा। 1.6 पे चलते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर इज, 1.6 का हो जाएगा ट्री सी, इसके बारे में मैंने जब हिंदी में वीडियो बनाई थी जो चैप्टर वाइज है, 15 या 16 चैप्टर है, तो उसमें ट्री के बारे में बताया गया है। 1.7 द डू वाइल लूप स्टेटमेंट, 1.7 का हो जाएगा सी, इज एक्सिक्यूटेड एट लीस्ट वंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स। 1.8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन सी, 1.8 का हो जाएगा बी, डी ई सी स्टोरेज क्लास नहीं है, बाकी आपकी सब स्टोरेज क्लास हैं। 1.9 द एवरेज नंबर ऑफ कंपेरिजन इज सीक्वेंशियल सर्च इज, 1.9 का हो जाएगा डी, एन प्लस 1/2। 1.10 ये आपको कुछ डायग्राम टाइप में दिया हुआ ट्री बना हुआ है, तो ये हीप है या फुल कंप्लीट क्या है ये आपको बताना है, तो 1.10 का फुल एंड कंप्लीट होगा इसका आंसर, 1.10 का बी, इसको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके से मल्टीपल चॉइस, अब 2 और 4 देख लेते हैं। तो 2 और 4 ने 2.1 आपका, ए कमांड डेट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड इन ए रिकॉर्ड इज ए लूप इस लुकअप, तो 2.1 हो जाएगा आपका फॉल्स है। 2.2 इन रिलेशनल स्कीम ईच टूपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड कॉल्ड रिलेशन, ये भी आपका फॉल्स होगा। 2.3 द बेस्ट एवरेज सॉर्टिंग बिहेवियर इज शोन बाय मर्ज सॉर्ट, 2.3 ये आपका ट्रू होगा। 2.4 द डेटा स्ट्रक्चर डेट इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू प्रीफिक्स नोटेशन इज ग्राफ, 2.4 का हो जाएगा आपका फॉल्स। 2.5 द बेस्ट केस एंड वर्थ केस टाइम टू सर्चिंग एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च इज 1, n दिया है, तो आपका हो जाएगा आंसर इसमें 2.5 का ट्रू होगा।
2.6 forest is a set of n is less than or equal to 0 disjoint tree which are obtained when root is removed. तो 2.6 का हो जाएगा 2. थोड़ा से ये टफ है पढ़ने में भी, और ये लैंग्वेज आपको सत्तर समझ में ना आ रही हो तो इसके आप लोग आंसर टिक कर लें, और एक बार एक दो चार बार आप देखेंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे. हो सकता है इसमें से मिल जाए आपको. PERT दिया ग्राफ इस ग्राफ यूज्ड टू परफॉर्म PERT कैलकुलेशन. तो 2.7 फॉल्स. 2.8 पीरियोडिक क्यूई इस ए क्यूई दैट इस यूज टू स्टोर पीरियोडिक डेटा. फॉल्स है. 2.9 एसिमेट्रिक डायग्राम इज ए डायरेक्टेड ग्राफ सच डेट फॉर एवरी एज वी डब्ल्यू देयर इज रिवर्स एज डब्ल्यू वी. तो 2.9 का हो जाएगा ट्रू. 2.10 मैक्सिमम डिग्री इज एनी वेक्टर इज ग्राफ विद एन वर्टिकल इज एन माइनस वन. तो 2.10 का हो जाएगा फॉल्स. तो ये थोड़े से मैथ के क्वेश्चन थे, थोड़ा डीप में पूछे गए थे क्वेश्चन ये. हो सकता है आपको उसमें दिक्कत हुई हो, तो जिस भी सवाल में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं. तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स. इसको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको लर्न कर लें, याद कर लें. तो ये अगर आपको दो चार बार आप देखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैथ द कॉलम देखते हैं कि इस प्रकार से दिए गए हैं. इसमें ये वाला पेपर थोड़ा सा टफ मुझे लग रहा है. मुझे नहीं क्या मतलब आपको हो सकता लग रहा हो, मैं तो हल्का ही देखूँगा. तो 3.1 का देखते हैं. नल पॉइंटर इज ए पॉइंटर विच डज नॉट पॉइंट एनी वे. 3.1 का हो जाएगा एफ. तो ये होगा 1. 3.2 नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटर रिक्वायर्ड इन ऑपरेटर. तो 3.2 का हो जाएगा आपका जी कंटे 3. 3.3 नल मैक्रो इज. तो 3.3 का हो जाएगा जे ए मैक्रो डेट रिप्रेजेंट नल पॉइंटर. 3.4 ए डायरेक्ट एक्सेस फाइल इज. 3.4 का हो जाएगा फाइल डेट आर स्टोर्ड ऑन ए डायरेक्ट एक्सेस मीडियम. तो इसका हो जाएगा ए. 3.5 सीक टाइम इज टाइम टेकन बाय रीड राइट मैकेनिज्म. फॉर 5 नंबर हो जाएगा एल. 3.6 ए फंक्शन डेट चेंज स्टेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. 3.6 का हो जाएगा सी मैनिपुलेटर. 3.7 फॉर्मेट कमांड इज डॉस इज यूज टू इस्टेब्लिश. तो 3.7 का हो जाएगा डी. 3.8 स्कोप इज ए वेरिएबल इज. 3.8 का हो जाएगा ई. 3.9 ए सेल्फ रिफरेंशियल स्ट्रक्चर इज. 3.9 का हो जाएगा एच. 3.10 साइज ऑफ ए पॉइंटर इज स्मॉल मॉडल इज. 3.10 का हो जाएगा बी 2 बाइट. तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस. इसको नोट कर लें आप लोग. जिस अंदर में आगे बढ़ते हैं और फटाफट फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट कर लेते हैं. तो वीडियो को आप 1 सेकंड रोकेंगे तभी आप इसको नोट कर सकते हैं. पूरी वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 4.1 एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी इज. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 4.1 का हो जाएगा ई रैम. 4.2 द ऑपरेटर इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द ऑपरेंड आर ट्रू. 4.2 का हो जाएगा एफ. एफ है आपका ये समझ लें. एंड ऑपरेटर लगेगा. 4.3 लाइनक्स इज एग्जांपल ऑफ. तो 4.3 का हो जाएगा डी. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है आपका ये. 4.1 बाय डिफॉल्ट ए रियल नंबर इज ट्रीटेड एज. 4.4 का हो जाएगा इसमें से नन होगा आपको आंसर. बाय डिफॉल्ट इज ए रियल नंबर इज ट्रीटेड एज डबल. इसमें से कोई इसका आंसर आपका दिया नहीं है तो उसमें डबल लिख लिया या फिर नन लिख दें. आंसर होगा डबल. 4.5 हेडर फाइल इज विच नल मैक्रो इज डिफाइंड इज. 4.5 का हो जाएगा जी. जी में देख लेते हैं क्या दिया. स्टूडियो डॉट एच. 4.6 मेमोरी डेट कैन बी एलोकेटेड इन ए सिंगल कॉल टू मैक्रो इज. 4.6 का होगा आपका इसमें से
जिसमें भी आपका सिक्स का आपका आंसर नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा आपका इंसर्शन सॉर्ट, इन इसका लिख लिया आंसर इंसर्शन, आई एन एस ई आर टी आई ओ एन एस ओ आर टी, इसका आंसर ये होगा आई एन एस ई आर टी आई ओ एन एस ओ आर टी, एट का आंसर है ये, इसमें दिया नहीं हुआ है ये। फोर पॉइंट सिक्स का हो गया आपका ये, सॉरी ये आपका आंसर 4.8 का मैंने बता दिया, 4.8 का आपका आई है, ये शायद दिया हुआ है यहाँ पे, मिस्टेक हो गई है। फोर पॉइंट एट का आपका होगा आई, मैंने एट का बता दिया आपको, हाँ 4.6 का आपका नन ऑफ दिस दिया है, तो इसका आपका आंसर होगा मेमोरी ऑफ डेट कैन बी एलोकेटेड इज ए सिंगल कॉल टू मैक्रो इज, इसके बाद आपका होगा कॉल डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, कॉल यहाँ से आपका आंसर होगा मैक्रो इज कॉल टू मैक्रो डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्स्ट आपका होगा आंसर। तो 4.7 टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन इज डबल शॉर्ट इज 4.7 का होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन इस बबल सॉल्ट इस जीरो, ये भी शायद मैंने आपका दिया नहीं हुआ शायद, ये इसका आंसर होना चाहिए जे, हम लिख देते हैं यहाँ पे 4.7 का जीरो, इस तरह से बोलोगा एन टू बबल सॉल्ट। 4.8 का बता दिया आपको आई, 4.9 ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पैथ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय 4.9 का हो जाएगा आपका बेलमैन फोर्थ एल्गोरिथम, तो ये भी देखते हैं इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मैंने सर्च किया है इसको इंटरनेट पे, नहीं दिया हुआ है, 4.9 का हो जाएगा बेल बी ई डबल एल, इसका आंसर लिख लें बेलमैन फोर्थ एफ ओ आर टी ई एल्गोरिथमिक ए एल जी ओ आर आई टी एच एम, ना समझ में तो आप कमेंट पूछ सकते हैं कि 4.9 का आंसर क्या होगा, तो आपको बता दिया जाएगा। 4.10 का है अवॉइड द यूज ऑफ स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, तो इसका आंसर है गो टू एम, तो काफ़ी थोड़ा सा टफ थे और कुछ के आंसर इसमें दिए गए नहीं थे, काफ़ी करेक्शन था इसमें, तो कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सर इस पेपर सेट का या आंसर में डाउट है या गलत है या समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन अपने कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।